अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। आप मिशन की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि जो लोग सरकारी नौकरी पे हों, चाहे प्राइवेट नौकरी पर हों या कोई अपना ढाबा रेस्टोरेंट कुछ भी चीज़ खोलते हैं तो अपनी जाति विशेष और नाम भी बहुत लोग छुपाते हैं, तो उनके बारे में क्या आप बोलेंगे? देखिए, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी कमी है और यही हमारे सबसे बड़ी जो हमारी बर्बादी हुई है, ये मुख्य कारण बनकर के सामने आया। जिस दिन मेरा समाज का आदमी गर्व से कहेगा मैं आदिवासी हूँ, मैं मूल निवासी हूँ, मैं शेड्यूल्ड कास्ट हूँ, मैं शेड्यूल ट्राइब, ये देश मेरा है, जिस दिन हर आदमी ये क्लेम करना शुरू कर देगा, मेरे सोच के हिसाब से उस दिन इस देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ अन्याय बिल्कुल बंद हो जाएगा और अन्याय करने वाले भाग जाएंगे। लेकिन जब तक हम अपनी जाति छिपाते रहेंगे, जब तक हम अपने के, मैं समाज के लोगों को एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब कोई आईएएस आपका कलेक्टर किसी जिले में पोस्ट होता है तो मित्रों उसकी जाति उसके ज्वाइन करने से पहले वहाँ पर आ जाती है। अगर कोई एसपी किसी जिले में जाता है, कोई इंस्पेक्टर किसी किसी अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है, कोई क्लर्क किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है, सरकार की नौकरी का कोई भी व्यक्ति इस बात को आज सुनिश्चित कर ले कि आपके ज्वाइन करने से पहले आपकी जाति आपके महकमे में आपके सभी साथियों को पता होती है कि आप किस बिरादरी के हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर आप अपनी जाति छिपाने का काम कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से अम्बेडकरवाद के खिलाफ है, अम्बेडकरिज्म के खिलाफ है। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आप क्रिएट करिए। मायावती जी ने जो कहा था, समझने बात था, उसको याद रखिए। मायावती जी ने कहा था कुमारी हूँ, चमारी हूँ, तुम्हारी हूँ, और उन्होंने नारा बहुत पहले दिया था, आज से करीब 30-35 साल पहले, और इस नारे से आज वो भारत के सबसे बड़े प्रांत की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और आज प्रधानमंत्री की दौड़ में एक सशक्त दावेदार के रूप में हम उनको देख रहे हैं। हो सकता है कि मई के एंड में जब नतीजे आए तो हो सकता है कि हमारी बहन को भारत के सबसे बड़े पद यानी कि शासन अध्यक्ष का जो पद होता है उस पद को उनको सेवा करने का भी मौका मिल सकता है, ऐसी हम कामना कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अपनी जाति बिल्कुल ना छिपाएं, गर्व से कहें मैं एससी हूँ, गर्व से कहें मैं एसटी हूँ, गर्व से कहो मैं आदिवासी हूँ, गर्व से कहो मैं मूल निवासी हूँ, गर्व से कहो देश मेरा है। और आपने अगर इस संकल्प ले लिया तो मेरा ये विश्वास है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अन्याय आज देश के कोने कोने हमारे साथ हो रहा है, निश्चित रूप से अन्याय पूरी तरह बंद हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।